दरिया आ चुका है जी, ये डबल दरिया है, पीछे भी एक नहर है, ये इंडियन की नहर है, वो पाकिस्तानी नहर है। और चाचू जी फेटो सही गुजर रहा चिल्ला। अब बस ये खाली पड़े हुए हैं, इससे स्नैपे स्नूपे बना के वापस चलते हैं, पैसे खर्च के करने सही नहीं। हेलो बॉयज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अहमद भाई बाय बाय कर दे, बाय बाय अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हां जी और सुनाए सर, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए। तो आज हम जा रहे हैं जी कसूर इंशाल्लाह, वहां पे चाचू हमारे गए हुए हैं अहमद के पापा 40 दिन के लिए जमात के साथ, तो अब हम निकल रहे हैं। सो हम उनकी नुसरत के लिए जा रहे हैं, नुसरत के लिए जा रहे हैं, हमें बहुत सआदत आई है। हां तो अभी हमें अड्डे पे काम है, वो पूरा करके फिर आगे निकलेंगे। अड्डे से जो काम था वो रेडी शेडी यानी कि खत्म हो गया, तो अब निकलने लगे हैं हम। बॉयज रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। तो हमने निकलना था जी 7 बजे फजर की नमाज पढ़ के फौरन, तो अभी टाइम कितना हो गया, 9:19, सिर्फ 2 घंटे लिए, सिर्फ दो घंटे लेट। 10 बजे निकलना है, वापस ना चले। हाँ ये भी आइडिया ठीक है, 10 बजे निकलना है, इधर रुक जाते हैं, इधर रुक, इधर 10 पूरे कर लेते। वो देखो कभी हमारी भी गाड़ी ऐसे जाएगी सजी हुई। तो जी पेट्रोल वगैरह फुल करवा लिया, ठीक हो गया। हमने जाना है तकरीबन यहाँ से कसूर तकरीबन आने जाना 400 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से हवा चेक करवाने लगे थे लेकिन सजाद नहीं कह रहे हम आगे। ये थोड़ा सा खराब ऑफ रोड आ गया, लेकिन हमारा जो विगो है वो बेस्ट है ऑफ रोडिंग के लिए। विगो डाला ऑफ रोडिंग के लिए बड़ा कमाल है ना, वैसे रोड के लिए शो करके जाता है। और यहाँ पे ये आलुओं की मंडी लगी हुई है, बोली वगैरह पीछे लग रही थी, वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी। ये जो दीपालपुर का एरिया है ना, ये आलू का गढ़ है, सबसे ज्यादा आलू दीपालपुर के एरिया में काश्त होता है, बहुत ज्यादा आलू काश्त होता है। ये आलू के सबसे बड़े मैनेजर है, नहीं यानी कि मालिक है, मलिक कासिम अली जानी। हाँ जी और अब हम इंटर हो चुके हैं, कहाँ हो गए,
कसूर रोड पे, कसूर रोड पे हम चढ़ गए हैं। कसूर यहाँ से 94 किलोमीटर, 94 किलोमीटर नहीं 94 है, हमने पीछे रुक जाना। दरिया आ चुका है जी, ये डबल दरिया है, पीछे भी एक नहर है, ये इंडियन की नहर है, वो पाकिस्तानी नहर है ना वो आगे पानी है, यहाँ से शायद ना नजर आ रहा हो, वो आगे कर गया, यहाँ पे कर गया। टूल प्लाजा आ गया, और चाचू जी फेटो सही गुजर रहा चिल्ला अल्लाह की जोड़ी है ठीक हो अल्लाह ने कहा है बिल्कुल अच्छी है बात तो यार यहाँ पे पहुँच गए हैं सही, उन्होंने किन्नू शिन्नू खिलाए हैं। और सजाद भाई आज शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा फील हो रहा है, अल्लाह की राह में निकलने वालों की मदद के लिए हम आए हैं। क्या बात है मदद सही, चाय बहुत अच्छी है माशाल्लाह। So, अब रोटी खानी एडी इज्जत नाल ना पियो, थले मुंह करके हाथ ला के पियो, चलो। सो गाइस वापस निकल चुके हैं अपने हेडगंडा सिंह की ओर, यानी कि हेडगंडा सिंह हम जा रहे हैं फुल माहौल में, ठीक है। सजाद भाई हेडगंडा सिंह पे हमें परेड मिलेगी इंशाल्लाह, अगर हम टाइम पे पहुंच गए ना, 5 बजे परेड होती है, अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो परेड देखने को जरूर मिलेगी, नहीं तो फिर दुआएं झंडे देख के वापिस आ जाएंगे। ये इस ये जो अजीब चीज है इसकी वजह से देर हुई है क्योंकि इसने वहाँ पे बातों पे लग गया चाचू के साथ, तो अब जा रहे हैं जी हम वापस। बहरहाल आज जुमा हमने यहाँ पे ही पढ़ा है जमात वालों के साथ चाचू के साथ, आपका दरवाजा नहीं सही तरह। सो जी घाटा पड़ चुका है हमें क्योंकि वो उधर जाने ही नहीं दिया गया परेड देखने के लिए, लोग देखो वापिस आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं फौजी ने कहा टाइम खत्म हो गया, चलो भजो इतों। अब अपनी अच्छी शक्लें लेके हम जा रहे हैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, वहाँ पे हाजिरी दे के फिर वापस घरों को, ठीक है ना। जैसी ऐसी ऐसी ऐसे अहमद भाई हाथ ही ला दें कैमरे में, आपके साथ रैंक हो गए। सो जी पहुँच चुके हैं बाबा बुल्ले शाह दरबार, अंदर इंटर होने लगे, पार्किंग गाड़ी हमने पार्क कर दी है और वो आगे दरबार है, पहुँच के मिलते हैं। दरबार पर पहुँच गए हैं जी, फ्रेश फ्रेश हुए हैं, वजू किया, अब जा रहे हैं मगरिब का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। दरबार पे पहुंच गए हैं जी, तेरा महाराज तो करम
जी दरियाए रावी से हमारा गुजर हो रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर से कहाँ थे हम। वो ना वीडियो बनाना भूल गया था निकले वक्त में, पर अब इस टाइम हम ड्राइव इन पहुँचने वाले हैं, कज़न के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। हो सका तो कज़न से भी मिलवाऊँगा मैं आपको, यू नो कज़न से। ओके मिलते हैं। उधर से हो लिया हमने, कजन के घर से वीडियो नहीं बनाई, तो अब हम निकल चुके हैं रायमंड से आगे की तरफ। सुंदर को जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब घर जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन है कोई 160 किलोमीटर है घर तय करते हैं सफर। रास्ते में आपको दुकान पी का पकवान, इसलिए अब जा रहे हैं मैकडोनल्ड। ठीक है चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं क्या सीन है। अभी हमने क्रॉस किया है पत्तों की टोल प्लाजा एंड अब हम आगे जा रहे हैं बाड़ा बाईपास की तरफ। फिर आएगा बाड़ा टोल प्लाजा, देन सही बात वहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे रुक के खाना खाएंगे, देन फिर करते हैं। So boys, McDonald's पहुंच चुके हैं, देन अब देखते हैं क्या खाना है वहां से। बैठ के खाएंगे हैं। ओके मैकडोनल्ड आए हैं जी, तो अब देखते हैं क्या खाना है वहाँ पे मैकडोनल्ड से। क्या भाई मैकडोनल्ड अब बस ये खाली पड़े हुए हैं, इससे स्नैपे स्नूपे बना के वापस चलते हैं, पैसे खर्च के करते हैं। सही नहीं वो जा रहे हैं जी, अब अंदर अंदर चलते हैं, यहाँ पे बाइट बैठ के खा लें। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं अंदर, अंदर।
इधर देख वालेकुम सलाम। ठीक सर, सर जो ये बाहर आपकी डील लगी हुई है 275 रुपए वाली, हाँ वो दो कर दो। और कुछ ऐड करना सर, पीस मैं करता हूँ। अगर करें और जिंगर के पीस है ये जो होते हैं, नहीं नहीं बर्गर नहीं, ये जो बाहर जिसकी फोटो आ रही है पीसेस। हाँ जी, वेट करना बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताएं, ये कितने कितने का है कोई डील इसकी? गाड़ी में कर बताता हूँ। हाँ जी बताएं बताएं। कैमरा भी दोबारा ऑर्डर दे दिया, इतनी मिट्टी थी क्या क्या, तो आप दोबारा ऑर्डर दे दिया। It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a gypsy. Teta asrat manfi. Tujhme dar hai, I can sense it. Left you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses. See boys, हम पहुंच चुके हैं अपनी टैंकी चौक वाली गली में। और टाइम दिखाना क्या हुआ है? 12:34 दिखा दें। नहीं वो नंबर बंद करो ऐसे। हाँ सुबह देखा था 9 बजे थे, अब 12:34 12:30 हो गए हैं। ओए होए माता बाज गई यार। तो यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही सब कुछ कर दो। लव यू कर दो यार।